फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृपा भाविका मेहंदी। आज की वीडियो से हम बनाने जा रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें आप और हम साथ में मिलकर बनाएंगे ड्राइंग बुक में मेहंदी का पोर्टफोलियो, जिसमें हम स्टार्टिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सारी मेहंदी ड्रॉ करेंगे हमारे नए ड्राइंग बुक के पोर्टफोलियो में, जिसके लिए मैंने स्पाइरल और A3 साइज की बुक ली है। आप भी इस तरह की कोई बुक लेके मेरे साथ ही अपना मेहंदी का पोर्टफोलियो बनाएं, जिससे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी में लाइंस और फ्रिल्स से बनके जो भी डिज़ाइन बनती है उसका हम एक पेज में बनाएंगे, और आने वाले वीडियो में हम इसी पोर्टफोलियो की सीरीज बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे लाइंस और फ्रिल्स से जो भी बेल्ट और उसके रिलेटेड मेहंदी बनती है, वही जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेरे क्लास के वीडियो में बताया है कि लाइंस और फ्रिल्स से ही मेहंदी का लुक अच्छे से आता है। अगर आपकी लाइन पैरेलल और लाइन वेरिएशन आपका परफेक्ट रहा और साथ में फ्रिल्स भी एक समान साइज और लेंथ विथ की आई, तो आपका मेहंदी सुंदर और एकदम क्लियरिटी से दिखेगा। तो आज हम वही बात ध्यान रख के हम लाइंस और फ्रिल्स से बेल्ट और उसके रिलेटेड डिजाइंस बनाएंगे। तो स्टे ट्यून, आप भी अपना बुक लेके अपना पोर्टफोलियो रेडी करें, तो ताकि आप जब भी कोई भी मेहंदी का ऑर्डर लें या फिर कोई भी आपको पूछे कि आप किस तरह की मेहंदी लगाते हैं और आपकी क्लियरिटी कैसी है, आप उसको अपना बुक दिखा सकते हैं। नो डाउट आप फ़ोन से कैप्चर करके आपकी रियल मेहंदी भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी में और फोटोज़ में फील होता है वो बहुत डिफरेंस होता है, और क्लाइंट आपकी मेहंदी बारीकाई से और नज़दीक से देख सकते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि आपको वो ऑर्डर दे और आपका काम जो है वो इजीली वो लोग देख सके। इसीलिए पोर्टफोलियो का आपके मेहंदी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं अपना एक नया पोर्टफोलियो बनाने जा रही हूँ जो मुझे आगे जाके भी काम में आने वाला है, तो आप भी उसी तरह से अपना मेहंदी का पोर्टफोलियो बनाएं मेरे साथ, और आगे के वीडियो में भी उस तरह से मैं जो स्पीड से ड्रॉ कर लूँ विदाउट मैं वीडियो स्पीडिंग में डालें, वही मैं आपको ये आगे की वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो आप लास्ट से तक देखें, मैं आप लास्ट तक ये वीडियो देखें, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, ओके, लेट्स बी स्टार्टेड। तो मैंने पहले तो अपना मेहंदी का कौन बनाया है घर पे, आप भी अपने मेहंदी के कॉन्स है वो घर पे ही बनाना, क्योंकि बाहर का जो मेहंदी का कॉन है उसमें और आपने जो होममेड मेहंदी का कॉन बनाया है उसमें बहुत अंतर रहता है, क्योंकि जो बाहर का कॉन है वो उसकी मेहंदी की जो थिकनेस है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से आप जो कॉन लाते हैं उसका पॉइंट भी बड़ा होता है, तो जिस तरह से आपको स्मॉल डिज़ाइंस निकालनी है वो आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको भी इस तरह के कॉन्स बनाने हैं, सीखने हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेहंदी पाउडर, ऑयल्स या फिर और किसी चीज़ की मेहंदी रिलेटेड चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताएं। मेहंदी पाउडर और ऑयल सब मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगी, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। ओके, सो लेट्स बी स्टार्टेड फ्रॉम द लाइन्स एंड फ्रिल्स पार्ट। सो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, पहले तो सब सिर्फ हमको लाइन्स ही ड्रॉ करनी है। तो पहले ये हमारा A3 साइज़ का ये पेपर है, उसमें हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में सिर्फ बेल्ट बनाएंगे, मतलब हमारी 3 लाइन आएंगी, क्योंकि ये हमारा पोर्टफोलियो है तो हमको सब बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम अपनी आप को अपनी मेहंदी को किस तरह से सामने वालों को प्रेजेंट करें। तो पहले हम बनाएंगे, ये मेरा ये A3 साइज़ का पेपर है, उसमें मैं इस तरह से लाइन्स बनाऊँगी, फिर इधर बेल्ट्स आएंगे। तो जब भी कोई भी मेरा मेहंदी का ये बुक देखेगा तो उसको सामने से लगेगा कि ये जो मेहंदी ड्रॉ कर रही है वो क्लियर कितनी है, क्योंकि जितने क्लियर हम दिखेंगे हमारा काम में ही अब उतना ही क्लियरिटी आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लाइंस और फ्रिल से ही बेल्ट बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अब से ड्रॉ करना डार्क लाइन, लाइट लाइन, फ्रिल्स, उसके ऊपर अलग डिज़ाइन और उसके नीचे एक लाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करें तो हमको कॉन थोड़ा ऊपर लेना है, फिर स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाना है। जब हम सिर्फ लाइन बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, तो हमको कॉन का पॉइंट है वो स्किन या पेपर के साथ टच करना है। तो अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें पहले डार्क लाइन है, फिर लाइट लाइन है, फिर उसके ऊपर फ्रिल्स और उसके ऊपर बड़ी फ्रिल्स करके उसको कवर अप कर ले, और आगे के सारे बेल्ट में भी हम यही करने वाले हैं, पहले डार्क लाइन फिर लाइट लाइन। तो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, डार्क लाइन करने के लिए पहले मैंने 2 लाइट लाइन बनाई थी, उसके ऊपर दोनों को भर दिया था, उससे वो डार्क लाइन हो जाएगी, फिर एज यूजुअल लाइट लाइन बनाई, फ्रिल्स बनाई और बेल्ट रेडी हो गए। अब मैं नेक्स्ट
जो बना रहे हो सेम वैसा ही स्टार्टिंग में डार्क लाइन, फिर लाइट लाइन फ्रिल्स और उसके नीचे अलग जो डिज़ाइन है वो। आपको ये डिज़ाइन बनाते वक्त सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपकी जो डार्क लाइन है वो पैरेलल आनी चाहिए, कहीं पे बड़ी कहीं पे छोटी, कहीं पे कम वो नहीं आनी चाहिए, कहीं पे लंपी नहीं आनी चाहिए। और उसका सीधा और सिंपल सॉल्यूशन है, आप दो लाइट लाइन बना दो फिर उसको डार्क कर दो, उससे आपका जो लाइन है वो परफेक्ट दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद फ्रिल्स, और जैसे हमने पहले बनाए वो हमने सिर्फ बड़ी फ्रिल्स बनाई थी जिस छोटे फ्रिल्स के ऊपर, और ये सेकंड में हम वो फ्रिल्स को कट कर रहे हैं बीच में से और एक नई डिज़ाइन दे रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से कोई भी जो भी अपना दिमाग में कोई भी क्रिएशन है उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी जो हमने बनाई वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जगह पे, आप कोई भी ब्राइडल मेहंदी ले लो उसमें ये डिज़ाइन होगी ही, या तो फ्रंट में होगी या तो बैक में होगी, इसके अलावा कंप्लीट नहीं होती, ये होती ही एक मोस्ट कॉमन डिज़ाइन है। और जैसे हम अभी थर्ड वाली जो लाइन बना रहे हैं, सेम मैंने वैसे ही किया, पहले डार्क लाइन बनाई फिर फ्रिल्स बनाई। तो जो मैं फ्रिल्स बना रही हूँ, हर बार बोलती हूँ मैं, जब भी आप फ्रिल्स बनाएं तो कौन का पॉइंट स्किन या पेपर के साथ टच करना है, और उसको अच्छे से दिखाने के लिए आपको जो आप फ्रिल्स बना रहे हैं उसकी साइज़ और विड्थ सेम होनी चाहिए। तो अभी जो मैं बना रही हूँ ये कुछ वेवी सा डिज़ाइन है, तो देखने में वो वेवी लगता है कि वो कव 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 बना है, लेकिन जो हम मैंने अभी जनरेट किया उसमें मैंने सिर्फ दो लाइन ऊपर नीचे दी है, और उसको हाईलाइट करने के लिए वो वेव्स को मैंने नीचे एक डार्क लाइन दी है, और उसके ऊपर फ्रिल्स तो था ही। तो हमारा ये ब्यूटीफुल सा एक और बेल्ट रेडी हो गया। सेम वैसा ही हम एक और बेल्ट ले रहे हैं। इस तरह से मैं तकरीबन 35-36 बेल्ट ये वीडियो में बनाने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ इस टाइप का जो भी टेक्निक्स है वो देखें और उसको ऑब्जर्व करें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको मेहंदी में ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखनी है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप भी वो देखें। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और उसके अलावा आप ये वीडियो हो सके तो पूरा लास्ट तक और बहुत ही ध्यान से देखें, आपको उसमें से छोटी छोटी चीज़ें देखने को सीखने को मिलेगी। और जब तक हम आर्ट ऐसी चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए ये आप ऑब्जर्व करें और देखें। ये सब में कॉमन स्टार्ट में डार्क लाइन है, बीच में लाइट लाइन है, उसके नीचे फ्रिल्स है, और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ। अभी जो मैं राउंड वाला बना रही हूँ बेल्ट, उसमें एक राउंड बनाया फिर उसको कलर कर दिया, राउंड बनाया कलर कर दिया, अभी इस जगह पे मैंने राउंड 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 प्रॉपर बनाए। उसकी जगह पे आप जो मैंने फर्स्ट बनाई थी बड़ी वाली फ्रिल्स, वो आप छोटी 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 बना के जो राउंड साइज़ की है वो बना के फिर उसको एक 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 डॉट करके डार्क करके आप बना सकते हो। उससे आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और जल्दी भी बन जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा बनाते वक्त। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आप मेहंदी में ध्यान रख सकते हैं, जो आपको स्पीड भी ला सकती है, और अच्छी सी अच्छी मेहंदी ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए आपको तकरीबन 5-6 घंटे लगते ही हैं। मुझे भी अभी तक बहुत 3-4 फिगर बिठाने हो तो सिर्फ मुझे बैक और फ्रंट विदाउट लेग की मेहंदी के 5-6 घंटे आराम से अकेले को लगते हैं। तो टाइम की कंज्यूम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें को हम देख के ऑब्जर्व करके किस स्पीड से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो में सारी चीज़ें यही देखने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो जैसे हमने छठा जो बेल्ट है वो बनाया, वो भी हमारा थर्ड जो बेल्ट है वो स्टैंडिंग में वेवी है, और जो हम अभी 6th पोजिशन वाला बना रहे वो बहुत ज़्यादा वेवी सा है, तो हम उसके लिए एक लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दे 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 के ये बेल्ट बनाया है, और देखने में वो बहुत एस्थेटिक लगता है। फिर उसके बाद जो हमने 7 नंबर का बेल्ट बनाया है उसमें हमने चक्री बना के फिर उसको बाहर से कवर कर दिया है, और चक्री बनाते वक्त हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम बाहर से अंदर की ओर जाएं, ना कि अंदर से बाहर की ओर। अगर अंदर से बाहर की ओर गए तो हमारा साइज़ या फिर दो जो लाइन है उसके बीच का गेप वो सब छोटा बड़ा होगा, और उससे हमारा अच्छे से चक्री नहीं बनेगा और वो अच्छा दिखेगा भी नहीं। इस तरह से हम सारी लाइंस 15 तक हम सिर्फ यही लाइन बेल्ट बना रहे हैं, डार्क लाइन लाइट लाइन फ्रिल्स और उसके नीचे अपने हिसाब से कोई बेल्ट बना रहे हैं। आप 15 तक इस तरह से देखें, और 15 के बाद
और भी नए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बेल्ट है और ये ऑथेंटिक बेल्ट है, वो सब जगह चलते हैं। वो जो ट्रेंडिंग बेल्ट है वो हम 15 के बाद देखेंगे, तब तक के लिए आप ये पूरा ऑब्जर्व करें और नेक्स्ट वीडियो में हम 15 के बाद के सारे डिज़ाइन से वो देखेंगे जो हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए ये वीडियो देखें और कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।